हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग को एक नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही कारगर है। इसे लगाने के बाद आपका चेहरा बेहद बेदाग और चमकदार दिखेगा, जो कि आप पार्लर में जाकर बहुत सारे पैसे खर्च कर अपनी स्किन पर वो चमक और निखार ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने वाली हूँ, तो आप इस डिटेल्स को अच्छे से जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा ये रेमेडी। अगर आप अपनी स्किन को चमकदार, ग्लोइंग बनाना चाहते हो, बेदाग बनाना चाहते हो, तो रेमेडी को आप अच्छे से देखिएगा और मेरी बातों को भी अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है कच्चा दूध। तो ये जो रॉ मिल्क होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किन के लिए, लैक्टिवेटिक एसिड से भरपूर होता है, साथ ही इसमें नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी होता है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। इसमें थोड़ा सा लेमन का रस यूज किया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा ही यूज कीजिएगा, अगर ऑयली है तो आप हाफ टी स्पून यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप नारियल का ऑयल यूज़ किया है, तो नारियल का ऑयल आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, विटामिन ई से भरपूर होता है। मौसम कोई भी हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो स्किन पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स आने लगती हैं और बाद में हमें दिक्कत होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये है बेसन और मुल्तानी मिट्टी जो कि मैंने ऐड करके एक में ही रख दिया है कंटेनर में। तो दोनों मैंने 1 टीस्पून दोनों को मिलाकर, अगर आप एक फेस के लिए लगा रहे हो तो दोनों जो है आपको हाफ हाफ टी स्पून लेना है, मुल्तानी मिट्टी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून बेसन। तो आपको अगर अलग 2 फेस के लिए लेना है तो आप 1 टीस्पून लीजिएगा। तो जो मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया उसमें बेसन और मुल्तानी मिट्टी मिक्स था, जो कि मैंने एक कंटेनर में बनाकर रखा है मुल्तानी मिट्टी और बेसन। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे जैसे दिखते हैं, डार्क स्पॉट दिखता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल दिखता है, तो इस रेमेडी को आप बनाकर नहाने से पहले अगर आप लगा लोगे तो आपको ना तो सॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको फेस वॉश, और इसी से आपका चेहरा एकदम डीपली क्लीन हो जाएगा। साथ में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि आप सॉप और फेस वॉश से नहीं ले सकते हो, वो आपकी स्किन को क्लीन और क्लियर तो बनाता है पर एकदम से जड़ से कोई भी समस्याओं को सॉल्व करने का दावा नहीं रख सकता है। वैसे तो सारी कंपनियां रखती हैं, पर रेमेडी जो होम रेमेडी होती है वो बिना नुकसान किए आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा सा निखार और बहुत ही अच्छी सी चमक ला सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को अगर आप शावर लेने से पहले लगा रहे हो तो आप अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हैंड पर अप्लाई कर सकते हो, आप फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी लगाकर आपको 10 से 12 मिनट रखना है, तो मैं बता रही थी कि आप गर्दन पर भी लगा सकते हो। तो चलिए, इस रेमेडी को लगाने के बाद मैं 10 से 12 मिनट वेट करती हूँ। तो वेट करने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं ड्राई हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हुआ है, थोड़ा गीला है। इसी स्टेज पर मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ। अगर आपका ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप वाटर लगाकर चेहरे को गीला कर लीजिएगा, नहीं तो अगर सूखे पैक पर आप अपना हाथ चलाओगे तो इससे आपके चेहरे पर रैशेज आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगा, तो इसलिए आप अपने चेहरे को अच्छे से गीला कर लीजिएगा, फिर आप अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। मसाज करना बेहद ज़रूरी है, अगर आप अपने चेहरे पर मसाज करते हो तो आपके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। वैसे भी आप अपने चेहरे पर नाइट में सोने से पहले कोई भी ऑयल लगाकर या आप जेल लगाकर मसाज ज़रूर करें। तो जो मैंने लेमन यूज़ किया था फ्रेंड्स, उसी लेमन से मैं धीरे धीरे मसाज कर ले रही हूँ। इसमें अभी लेमन का काफ़ी ज़्यादा रस भी था और इससे जो है अच्छे से मसाज भी हो जाएगा, साथ में जो रस है वो निकलेगा, स्किन पे लगेगी तो स्किन के लिए अच्छा होगा, डेड स्किन वगैरह रिमूव हो जाएंगे, चेहरे पर ब्लैक है, दाग धब्बे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि लेमन को, ओनली वन लेमन को ही अपने चेहरे पर डायरेक्टली अप्लाई करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चाहे जैसी भी आपकी स्किन हो, चाहे ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल सेंसिटिव वाले, तो बिल्कुल भी नहीं,
यहाँ तक कि ऑयली वाले भी नहीं, किसी भी स्किन वाले को वनली वन लेमन चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके चेहरे की स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो नेचुरल चीज़ें भी ऐसी होती हैं, अगर हम अच्छे से जानकारी नहीं होती है ना तो उसे अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट कर जाता है। तो इसलिए फुल जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नेचुरल है तो उसका नुकसान नहीं होगा, अगर आप उल्टा पुल्टा लगाओगे तो नुकसान उसका भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपको कैसी लगी? हमने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा था डीपली, तो आप लोग को भी लग रहा होगा। आप लोग भी इस रेमेडी को अप्लाई कीजिए, अगर अप्लाई करें तो हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेमेडी। अगर आप इसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन रेमेडी को लगा लिए तो फ्रेंड्स आपके चेहरे के कैसे भी दाग धब्बे हों आपको लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आगे कहने की ज़रूरत नहीं कि आप आगे से लगाओ। जब आपका चेहरा बेदाग दिखने लगेगा तो आप खुद ही लगाने लगोगे। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट में मैंने ऑरेंज जेल लगाया है जो कि गुड वाइब्स का है। आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है चेहरे पर मसाज करने के लिए। अगर आप इसे लगाकर 2 से 3 मिनट मसाज करोगे तो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ ही आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है।